गाइज, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि इस लॉकडाउन में आपको कई सारे असाइनमेंट वर्क्स मिलते होंगे या फिर प्रैक्टिकल वर्क मिलते होंगे या कुछ भी मिलता होगा, तो आप सिंपली, आपके पास PDF पड़े होते हैं या फिर आपके पास नहीं पड़े होते हैं, तो आप उसे सिंपली इंटरनेट में सर्च मारते हैं, उसके बाद आप वहाँ से उसे कॉपी करते हैं, उसके बाद आप उसे डिट्टो अपने जहाँ पे भी आपको लिखना होता है आप उसे लिख के सबमिट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये जो काम है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको नेट में कोई भी चीज़ का डेफिनेशन मिला, आप उसे कॉपी करेंगे, उसके बाद दोबारा से आप अपने उस पर लिख लेंगे। तो दोस्तों, आप सिंपली उसे नेट में ही हैंड राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उसे डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, आप किस टाइप से किसी भी टेक्स्ट को आप हैंड राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी इमेज को किस टाइप से टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस टेक्स्ट को आप दोबारा से किस टाइप से हैंड राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन आपको कोई भी टॉपिक के बारे में अगर असाइनमेंट मिलता है, आप उसे इंटरनेट पर सर्च नहीं मार पाते हैं, आप उसे सर्च मारते हैं लेकिन आपको उसका जो एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करें, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा गूगल स्कॉलर के बारे में। तो हम सीधा डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चले जाते हैं और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से वेबसाइट आपको जानने चाहिए। वो सारे वेबसाइट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर कहीं इंटरनेट से ही देख के लिखते हैं, आपको दोबारा से उसे लिख करके देना होता है। लेकिन दोस्तों, आपको सिंपली जहाँ से आपको लिखना है आपको वहाँ से कॉपी कर लेनी है, आप उसे हैंड राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपली एक डेफिनेशन सर्च मारता हूँ फोटोसिंथेसिस का। तो दोस्तों, जैसे कि मैं फोटोसिंथेसिस यहाँ पे सर्च मार रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों जैसे ये शॉर्ट आंसर है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद इसे हैंड राइटिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली अपने न्यू टैब पे चले जाना है। आप वहाँ पे सर्च मारेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू हैंड राइटिंग, ये आपको सर्च मारना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने ये जो पहला लिंक हो जाएगा, इसे आपको ओपन नहीं करना है, आपको दोस्तों ये वाला लिंक ओपन करना है जिसमें dev.to लिखा है, ये वाला, इसे आप ओपन कर लेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, आपको इसे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बीटा वर्जन में ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होगा सारा टेक्स्ट, आपको इसे इरेज कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ पे वो टेक्स्ट को पेस्ट करना है जिसे आपने कॉपी किया था, आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप ये वाला जो हैंड राइटिंग देख रहे हैं कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक लग नहीं रहा है, आपको सिंपली पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आप इसका फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, मैं ये वाला कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेना है, मैं यूजुअली 15 रख लेता हूँ इसे। उसके बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, A4 साइज़ में कलर कौन सी ब्लू होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट इमेज पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप जनरेट इमेज पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप का ये ओपन हो जाएगा, इमेज जनरेट हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं, आपने बहुत सारे टेक्स्ट कॉपी करके अलग अलग यहाँ पे किए हैं, तो बहुत सारे पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे, आप सारे को एक साथ PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास सिर्फ एक है, तो मैं डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये डाउनलोड हो गया, मैं इसे ओपन करके देखता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, ये कितना ज़्यादा इजी है इसे ऐसा कन्वर्ट करना। लेकिन दोस्तों, ये तो था टेक्स्ट के फॉर्मेट में, आपने यहाँ से कॉपी किया और आप उसने इमेज को जनरेट कर लिया। लेकिन दोस्तों, बाय चांस अगर आपके पास ये इमेज के फॉर्मेट में है, इमेज के फॉर्मेट में है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक सिंपल सा इमेज देख लेता हूँ, ये इस टाइप से ये इमेज के फॉर्मेट में है और आपको ये चीज़ कॉपी नहीं होता आपके PDF में या जहाँ पे भी आप इसे कॉपी करके देखते हैं, आपको कॉपी नहीं होता है, तो आपको सिंपली ये वाले चीज़ को क्या करना है, इसका जो इमेज है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको सिंपली एक न्यू टैब ओपन करनी है, उसके बाद आपको सर्च मारना है कन्वर्ट इमेज टू टेक्स्ट, ये आपको सर्च मारनी है। उसके बाद दोस्तों, आपको ये फर्स्ट सेकंड जो भी वेबसाइट दिखेगा आपको उस पर ओपन कर लेना है। जैसे ये आ गया, चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, आपको वो जो इमेज है उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है, फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, थोड़ा टाइम लेगा, ये कन्वर्ट हो चुका है, आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, टेक्स्ट के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, देखिए सिंपली आपको इसे फिर से कॉपी कर लेना है
उसके बाद आपको सेम वेबसाइट पे जाना है, आपको यहाँ से इस पे करना है तो कर सकते हैं, या फिर आप इरेज करके दोबारा से कर सकते हैं। जैसे मैं दोबारा यहीं पे पेस्ट कर दिया हूँ, तो आपको जनरेट इमेज पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप दो पेजेस में ये आ गए हैं, तो आप सिंपली सिंगल सिंगल भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड ऑल इमेज अस पीडीएफ फॉर्मेट क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ के फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आपका पूरा पीडीएफ कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और दोस्तों अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मतलब कि आपको ये सारी डाटा नहीं मिल रहा है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग या जो भी आपका टॉपिक है उसके रिगार्डिंग आप गूगल में सर्च मार रहे हैं तो आपको मिल नहीं रहा है एग्जैक्ट आंसर, तो दोस्तों आपको सिंपली न्यू टैब को ओपन करना है। उसके बाद आपको गूगल स्कॉलर सर्च मार लेना है। गूगल स्कॉलर एक सर्च इंजन है गूगल का खुद का, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक वो चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि डिफाइंड रेन फीड हॉर्टिकल्चर, मैं ये सर्च मार लेते हैं। सिंपली अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्च मारेंगे तो आपको सारे आर्टिकल्स प्रोफेसर्स के द्वारा या फिर किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा लिखे गए वाले मिल जाएंगे। आप इसे सिंपली पीडीएफ के फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना कमाल का ट्रिक। इसी बात पे अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर। तो दोस्तों देखा आपने कितना ज़्यादा आसान है ये सारी चीज़ें करना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप इसे बहुत ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और आप इसे उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा जिसमें टीचर्स नहीं है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ज्ञानी टाइम एट एनी टाइम।